तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4B और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये नीचे हमें ए से लेकर डी तक कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और ये एक्सपेंड नहीं हुई हुई क्योंकि इनमें ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं और इनके ऊपर कुछ होल पार्ट्स भी आ रही हैं। हमने इनको एक्सपेंड करके दिखाना है। एक्सपेंड का मतलब है इनके ब्रैकेट्स को ओपन करके दिखाना है और सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इनको किस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पहला पार्ट लिख लिया है। पहली बात हम इसको पढ़ना सीख लेते हैं। इसको हम लिख पढ़ेंगे a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये a प्लस 4 होल स्क्वायर है, यानी जो स्क्वायर है ये आपको पता होना चाहिए, ये a पर भी सेपरेट आ रहा है, 4 पर भी अप्लाई हो रहा है। अक्सर स्टूडेंट इसको कुछ गलती कर लेते हैं इसमें और इस स्क्वायर को इस पे अलग से कर देते हैं और इस पे अलग से अप्लाई कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे आपने नहीं करना। इसका एक प्रॉपर फार्मूला है जिसको हम कह लें एक प्रॉपर आइडेंटिटी है जो हम यूज़ करते हैं इस तरह की ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए। तो आपने जहन में रखना है जब भी आपके पास ब्रैकेट्स हैं और उस पर होल स्क्वायर हो, होल स्क्वायर का मतलब ब्रैकेट लगी हो और उनकी कंबाइंड पार जो है वो यहाँ पर लिखी हो, 2 हो, 3 हो या कोई भी पार हो, तो उसको आपने किसी ना किसी आइडेंटिटी के ज़रिए जो सॉल्व करना है। अगर इसमें प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ रहा होता तब आपका वो काम ठीक होता कि आप ये 2 इस a पर भी अप्लाई कर देते, ये वाला 2 इस 4 पे भी अप्लाई कर देते तो वो इनफ होता। लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में जब भी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होंगी कुछ ना कुछ होल पार आएगी तो आपने इनको आइडेंटिटीज़ की मदद से सॉल्व करना है। अब वो आइडेंटिटीज़ क्या हैं, वो बहुत ही मशहूर आइडेंटिटीज़ हैं, आपको पहले से मालूम भी होगी उम्मीद करता हूँ। एक आइडेंटिटी ये है कि जब भी 2 नंबर्स ऐड होंगे, लाइक एक नंबर a है और एक नंबर b है, उनका आपके पास आ जाए होल स्क्वायर, यानी इसको हम पढ़ेंगे a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला ये है, इस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी जो है बेसिकली इसकी इक्वल होगी ए स्क्वेयर, यानी फर्स्ट वाला जो नंबर है उसका स्क्वेयर लें, प्लस 2AB, 2 लिखें फर्स्ट वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर सेकंड वाला नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें। यहाँ पे ए और बी है तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आएगा AB प्लस बी स्क्वेयर, और ये दूसरा नंबर है इसका भी स्क्वेयर अप्लाई कर दें। इसको कुछ लोग 2AB को बाद में पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, इससे फ़र्क नहीं होता। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB भी पढ़ा जा सकता है, ए स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेयर भी पढ़ा जा सकता है, यानी जब भी 2 नंबर्स ऐड हो रहे होंगे और उनकी होल स्क्वेयर आएगी तो आप उसको इस तरह ओपन करेंगे, फर्स्ट वन का स्क्वेयर लेंगे, सेकंड वन का स्क्वेयर लेंगे और बीच में 2 टाइम्स कर देंगे इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवाने के बाद। इसी तरीके से अगर इस आइडेंटिटी के दरमियान माइनस का साइन आ जाता है, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाता है आपके पास, तो प्रोसीजर यही रहेगा, साइन चेंज हो जाएंगे। साइन कहाँ पे चेंज होंगे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर ही आएगा, लेकिन अब ये प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस 2। वैसे ही इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे a और b, और एंड पे आएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों फार्मूलाज में बस प्लस और माइनस का शिफ्ट है। जब प्लस आएगा तो सब प्लस हैं, जब माइनस आएगा तो 2AB के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, अदरवाइज और कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा। तो ये है हमारे पास वो फार्मूला, इन्हीं फार्मूलाज की मदद से हमने इनको एक्सपेंड करके दिखाना है। और आप देख भी सकते हैं जो पार्ट नंबर ए है वो बिल्कुल मैचिंग लग रहा है यहाँ पे इस वाले आइडेंटिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों प्लस हैं, यहाँ पे भी दोनों प्लस हैं। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये वाला फार्मूला अगर आप कोट कर देंगे क्वेश्चन के साथ यानी सॉल्यूशन के अंदर तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको दोबारा यहाँ पे कोट नहीं कर रहा। तो ये इस फार्मूले के तहत हम इसको ओपन करेंगे। तो ये फार्मूला क्या था, ये फार्मूला ये है कि पहले का स्क्वायर दूसरी जो आपको टर्म आ रही है उसका स्क्वायर और बीच में 2AB। तो यही काम मैं देखें यहाँ पे करूँगा, यानी सबसे पहला जो नंबर है वो यहाँ पे खुद से ए लिखा हुआ है, इतफाकन कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे आ सकता है, तो ए लिखा हुआ है तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर, ये मैंने ए का होल स्क्वायर ले लिया, प्लस लिखना पड़ेगा, मुझे 2 लिखना पड़ेगा, पहले और जो दूसरा नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ए बी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 2AB का मतलब है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 मैंने लिख दिया है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी a मल्टीप्लाई बाय 4, यानी ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, इसका मतलब यही है a 4 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, प्लस और जो दूसरा नंबर है यहाँ पे ये 4, इसको मैं कह रहा हूँ इसका स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, 2 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, और ये वाला ए 7 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 मरतबा आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 4 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 16, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 16। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये हमने आइडेंटिटीज यूज़ करनी है और इस तरह हमने इसको एक्सपेंड करना है। आइए कोई एक पार्ट और भी देख लेते हैं। तो मैंने डी पार्ट यहाँ पे लिखा है, यानी वो पार्ट मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कर दूँ ये जो कि डिफ़िकल्ट है, ताकि आप इन पार्ट्स को देख के बाकी पार्ट खुद से सॉल्व करें। तो देखें ये भी प्लस के साथ है, तो ये भी इसी के साथ मैच कर रहा है, इस फार्मूले के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसी फार्मूले के थ्रू हमने इसको ओपन करना है, एक्सपेंड करना है।
तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने किस तरह ओपन करना है, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर और बीच में 2ab, यही हम करने लगे हैं। यानी जो फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है 9h, इसका होल स्क्वायर डालेंगे हमेशा ब्रैकेट डाल के, प्लस का साइन क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, 2 लिखेंगे, एक मरतबा a, यानी a का मतलब हुआ करेगा ये पहली वाली टर्म यानी 9h, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और एक मरतबा b यानी दूसरी वाली टर्म 2k, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर 2 आएगा, बिल्कुल इस तरह ही जिस तरह यहाँ पे फॉर्मूला है इसका। और प्लस लास्ट में आएगा ये लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर, तो लास्ट वाली टर्म है 2k और इसके ऊपर भी आएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका स्क्वायर का मतलब है 9 पे अलग से स्क्वायर है और h पे अलग से स्क्वायर है। तो 9 पे अलग से स्क्वायर का क्या मतलब होगा, 9 पे अलग से स्क्वायर का मतलब होगा दो मरतबा 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 81। तो इसलिए 9 की जगह पे तो मैं लिख लूँगा 81। h एक अल्फ़ाबेट है, कोई नंबर नहीं है, तो h भी दो मरतबा है यानी h टाइम्स है, तो इसको जस्ट आप इस तरह लिखेंगे h स्क्वायर प्लस, यहाँ पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 9 टाइम्स होता है 18, और 18 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 36। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कह लें 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, और 4 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो भी कितना होता है 36। ये सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप जिस भी ऑर्डर में करेंगे आंसर गलत नहीं आएगा। तो 2 9 टाइम्स 18, 2 टाइम्स 36, यहाँ पे आएगा 36, और एच और के भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एच मल्टीप्लाई बाय के करेंगे तो आ जाएगा एच के, प्लस वही रूल जो यहाँ पे फॉलो किया था वही यहाँ पे करेंगे, 2 पे भी अलग से स्क्वायर है, k पे भी अलग से स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब है दो मरतबा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4, और k पे अलग से स्क्वायर आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा k स्क्वायर। तो ये हमने कर लिया है इस डी पार्ट को एक्सपेंड, तो इसी तरीके से आप इसका बी पार्ट और सी पार्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1।